इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्ले स्टोर से क्रोम ब्राउजर अपडेट नहीं होने पर उसे कैसे ठीक किया जाता है। तो अगर आपके भी मोबाइल का क्रोम ब्राउजर प्ले स्टोर से अपडेट करने पर अपडेट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में क्रोम ब्राउजर का अपडेट आया हुआ है और अपडेट करने पर मेरा क्रोम ब्राउजर अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने क्रोम ब्राउजर को अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दो सेटिंग करना होगा। तो पहले सेटिंग में आप अपने मोबाइल के स्लाइडर को ओपन कीजिए। आप ऊपर से नीचे की ओर स्लाइडर लाइए, या अगर आपके मोबाइल में नीचे से ऊपर है तो आप अपने स्लाइडर को नीचे से ऊपर की ओर लाइए। और यहाँ पर आने के बाद आप अपने मोबाइल को एक बार एयरप्लेन मोड में ऑन करके ऑफ कर दीजिए। तो ऐसा करने से अगर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम से क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं हो रहा होगा तो वह ठीक हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स मिलेगा, या आपको ऐप मैनेजर मिलेगा, या आपको ऐप मैनेजमेंट में मिल सकता है। तो आप अपने मोबाइल के ऐप्स मैनेजर को ओपन कीजिए। तो मेरे पास वीवो का मोबाइल है और मेरे मोबाइल में मोर सेटिंग्स में यहाँ पर ऐप मैनेजर है। तो आप अपने मोबाइल के ऐप मैनेजर को ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे यहाँ पर आपको सभी वो एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर है, तो प्ले स्टोर को ढूंढने के बाद आप प्ले स्टोर पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलेगा, तो आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर कैचे कर देना है, और क्लियर कैचे करने के बाद आपको ऊपर क्लियर डाटा मिलेगा, तो आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर देना है। इतना कर देने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेट होने लगेगा। तो यहाँ से इसे हम कट करते हैं और फिर से प्ले स्टोर पर चलते हैं। और प्ले स्टोर में आने के बाद हम यहाँ पर क्रोम को सर्च कर लेते हैं। क्रोम को सर्च करने के बाद यहाँ पर हम क्रोम को सर्च कर लेते हैं, और सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है अपडेट होने लगेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरा क्रोम ब्राउज़र अपडेट होने लगा है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र, अगर आपका क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं हो रहा है तो उसे ठीक कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।